क्या आपने भी आज तक सिर्फ आलू के समोसे खाए हैं? तो आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जिस समोसे में आलू तो डाला ही नहीं जाता है, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती है जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। इस समोसे को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले कैप्सिकम लिया और कैप्सिकम भी नाप तौल के लिया गया और बीच में से किए जा रहे हैं इसके मात्र दो टुकड़े। और टुकड़े करने के बाद यहाँ पर ये जो मैम बैठी हैं, देखिए कितना बढ़िया से इसके अंदर के सारे बीजों को निकाल रही हैं और निकालने के बाद एकदम नीट और क्लीन किया जा रहा है और उसको अलग से एक जगह पर स्टोर किया जा रहा है। और देखिए जैसे ही कैप्सिकम की कटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद यहाँ पर कैरेट कटिंग किया जा रहा है। साफ सफाई करने के बाद कैरेट के मात्र बीच में से दो टुकड़े किए जा रहे हैं और कैरेट एक तरफ करने के बाद देखिए यहाँ पर कैबेज कटिंग किया जा रहा है और केबेज भी कटिंग करके एक तरफ रखा जा रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज तक आप लोगों ने इस तरीके का बनता हुआ समोसा कभी ना देखा होगा और शायद ही कहीं ना आप लोगों ने खाया होगा। तो देखिए इसमें जाने वाले नूडल्स, जिसके लिए बड़े से भगोने के अंदर गर्म पानी किया गया और उसमें अब डाला जा रहा है नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद उसके अंदर एड किया जा रहा है नमक, ताकि जो नूडल्स है वो थोड़ा सा जल्दी से बॉइल हो जाए। और उसको बहुत ही बढ़िया से पानी के अंदर भिगो लिया गया है और उसके बाद उसको बढ़िया से ढक लिया गया है। ढकने के 15-20 मिनट लगेंगे इस नूडल्स को बॉईल होने में। तब तक आप देखिए कि यहाँ पर जो बाकी के वेजिटेबल्स के टुकड़े किए गए थे वो कैसे यहाँ पर फाइन चॉप किए जा रहे हैं। तो मशीन यहाँ पर रेडी कर लिया है भैया ने और सबसे पहले इसमें कटिंग किया जा रहा है कैरेट। कैरेट इसमें इतना बारीक कर लिया जाएगा जो एकदम खीमे की तरह लगने वाला है और इसमें कई सारे वेजिटेबल्स बारी बारी से कटिंग किए जाएंगे। एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पर जितनी भी चीजें की जा रही है, जितने भी वेजिटेबल्स है, उनको बहुत बढ़िया से धोया गया है साफ सफाई के बाद, कटिंग करने के बाद उसको फाइन चॉप किया जा रहा है मशीन में। अब कैबेज भी आ चुका है, कैबेज को भी बहुत ही बढ़िया से उस मशीन के अंदर कटिंग किया जा रहा है। जैसे कैबेज कटिंग हो ही रहा था, लेकिन एक बार नूडल्स को चेक कर लिया गया है कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट नूडल्स कंप्लीट हो चुका है और अभी कैबेज जो बाकी का पोर्शन बचा था यहां पर पूरा कंप्लीट कटिंग कर लिया गया है। और ये समोसे के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये समोसा जो आप ट्रायंगल आज तक खाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं रहने वाला है, ये साइज और शेप में भी अलग ही डिजाइन में दिखने वाला है। तो देखिए नूडल्स को निकाला जा रहा है अलग से, क्योंकि नूडल्स कंप्लीट बॉईल हो चुका है और यहाँ पर एटलीस्ट 5-10 मिनट रखा जाएगा इस नूडल्स को, ताकि ये बहुत बढ़िया से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको ले जाया जाएगा एक ऐसी मशीन के अंदर जहां पर इसको पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और नूडल्स को एक तरफ करने के बाद देखिए कैप्सिकम चॉप किया जा रहा है इस मशीन के अंदर से। और कैप्सिकम चॉप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हरा वाला मर्चा है, साथ में डाला गया है जिंजर और ये डाला जा रहा है सॉल्ट मशीन के अंदर। इसको पीस करके रेडी किया जाएगा ग्रीन चटनी जिंजर वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चटनी है वो एटलीस्ट अभी आधी पीस गई है, आधी बाकी है, लेकिन बाकी का भी पोर्शन उसमें ऐड कर लिया गया है ताकि एक ही बार में सारी एकदम से चटनी रेडी कर ली जाए। अब आप जो ये मशीन देख रहे हो इसके अंदर बहुत नाप के डाला जाएगा ऑयल और बाकी का जितना भी प्रोसेस होने वाला है वो सारा का सारा प्रोसेस इसी मशीन के अंदर होने वाला है। तो देखिए ऑयल यहाँ पर बिल्कुल नाप के डाल लिया गया और अब मशीन को किया जा रहा है शुरू। मशीन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिक के साथ साथ ये गैस से भी चलता है। ये देखिए हो गया रेडी, मशीन चलने लगा है, ऑयल अपने आप गरम हो चुका है और उसके अंदर ऐड कर लिया गया वो ग्रीन चटनी जो इन्होंने रेडी किया था, ग्रीन पेस्ट। ये डाला जा रहा है इसके अंदर सोया सॉस और ये आ चुका है रेड चटनी वाला सॉस और ये है टोमेटो सॉस। साथ में ये कुछ इनके अपने स्पेशल मसाले हैं और उसके बाद इन सबको बहुत बढ़िया से किया जाएगा मिक्स। मिक्स तब तक किया जाएगा जब तक ये मसाला बिल्कुल पक ना जाए,
तो देखिए मसाला जो है मिक्स करने के बाद पूरा एकदम प्रॉपर गैस के आंच पर पका लिया गया। पकाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। सब होने के बाद मसाला मिक्स करने के बाद अब उसमें डाला गया एक कैप्सिकम, उसके बाद ये आप देख रहे हैं कैबेज है, कैरेट है जो कटिंग किया गया था, चॉप किया गया था मशीन में। ये इतनी मेहनत का काम है कि भाई ये जो पलटा आप देख रहे हैं जो चला रहे हैं, इसको चलाने के लिए ही दो लोग लगे हुए थे और करीबन इसको एक से डेढ़ घंटा कंटिन्यू ऐसे ही चलाया गया। सब कुछ डालने के बाद अब फाइनल बारी है नूडल्स। नूडल्स ऐड हो चुका है बिल्कुल। अब ये सारे मसाले नूडल्स और सब कुछ प्रॉपर किया जाएगा मिक्स और बढ़िया से इन्हें पकाया जाएगा। तो देख रहे हैं भैया कि कितनी सारी मेहनत है भाई, सुबह 6 बजे से लगे रहते हैं, 10-11 बजे तक ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। यहां पर कंप्लीट मसाला जो है रेडी हो चुका है, मशीन भी बंद कर दी गई है। अब बड़ी सी परात लाई गई है जिसमें ये मसाला फैलाया जाएगा। फैलाने के बाद इसको रखा जाता है पंखे के नीचे कम से कम आधा घंटा, ताकि ये जो मसाला है ठंडा हो जाए। और जैसे ये मसाला ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें से बनाना शुरू होता है समोसा। समोसा भी इतना नायाब तरीके से बनाया जाता है कि आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे ओ भाई साहब पहली बार देखा है ऐसा कोई समोसा। तो एक परात यहाँ पर कंप्लीट भरने के बाद रख लिया गया है और ये इतना बनाया गया है कि दूसरी परात में भी ये मसाले पलटे जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये 100 किलो समोसा बनाया जा रहा है यहाँ पर। दोनों परात लाने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से इसको पीस वाइज अलग किया जा रहा है मसाले को, ताकि किसी भी समोसे के अंदर क्वांटिटी कम या ज्यादा ना रहे, मसाले की एकदम एक हिसाब से रहे। तो जैसे मसाला रेडी हो गया उसके बाद देखिए ये जो पट्टी आप देख रहे हो इनके हाथ में, ये है मैदे से बनी पट्टी, और इस पट्टी के अंदर ये मसाला भरा जा रहा है और कॉर्नफ्लोर के द्वारा इसको चिपकाया जा रहा है। अब ये चिपकाने के बाद प्रॉपर इसको रख दिया जाएगा फ्रीजर के अंदर। तो अगर आप चाहें तो इसको रो परचेस भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो फ्राई किया हुआ भी परचेस कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, एंड में हम सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं इनकी। तो देखिए यहाँ पर पूरा कैरेट जो समोसे का है रेडी हो चुका है, और भाई अब हम ट्राई करने वाले हैं इनके वहाँ के ये समोसे कि आखिरकार इतनी सी इतने मेहनत से बनने वाला समोसा टेस्ट में कैसा लगता है। तो मैम ने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और उसको कर रही है फ्राई। जैसे फ्राई हो जाता है उसके बाद हम कर लेते हैं इसे ट्राई और आपको बताते हैं हमें कैसा लगा। सो गाइस, हम लोगों ने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया कि इनके वहाँ चाइनीज समोसा कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कितनी मेहनत लगी इस समोसे को बनाने में। तो आखिरकार जब इतनी मेहनत के बाद ये समोसा तैयार किया जाता है तो इसका टेस्ट कैसा रहता है। और टोमेटो सॉस के साथ आइए एक बाइट लिया जाए। भाई टेस्ट वाइज इतना लाजवाब है ना कि अगर आपके जीभ का टेस्ट पड़ गया फीका तो ये विधि समोसा जरूर ट्राई करने आना, क्योंकि जीभ के जायके बढ़ जाएंगे आपके इस चटकारे के साथ। क्या लोकेशन ताकि आप लोग भी पहुंचे इन तक। सर आपके समोसे खाए, बहुत मजा आ गया, बहुत क्रंची दार था। तो मुझे ये बताइए अगर ये समोसे हमारे व्यूवर्स को चाहिए या किसी को भी चाहिए तो आपका कैसे कॉन्टेक्ट करें? कॉल कीजिए 9925829412। और एड्रेस बताइए एक बार। 57 दिलकन सोसाइटी, विभाग 2, अमरतलावड़ी रोड, ललिता चौकड़ी, गदरगाम, सूरत। और क्या टाइमिंग पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी को समोसे चाहिए तो कैसे आकर के आपसे परचेस कर सकते हैं? सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक हम अवेलेबल है। और यहाँ पर आकर के फ्राई हुए समोसे भी मिल जाते हैं या फिर सिर्फ रो समोसे मिलेंगे? नहीं, पहले तो वो समोसे ही मिलते हैं, अगर बड़ा ऑर्डर है 5 किलो के ऊपर तो हम फ्राई भी कर देते हैं। तो मिनिमम कितना रो समोसा आप लोग देते हैं? 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो? 250 ग्राम से मिल सकता है। 250 ग्राम से मिलता है। तो क्या प्राइस रहता है 250 ग्राम का अगर चाइनीज की बात की जाए तो? चाइनीज समोसा 250 ग्राम 40 रुपए का। कितनी वेरायटी में है समोसे अपने वहाँ? 6 वेरायटी है, दाल पोहा, दाल कांदा, सेमी ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, चीज पनीर
और चाइनीज समोसा। कितना समय हो गया सर आपको स्टार्ट किए? 3 साल हो गए। सो भाई देखिए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब टेस्ट आपको मिलने वाला है लाजवाब, सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो आप गूगल मैप पे अवेलेबल है सर? यस सर, गूगल मैप पे विधि समोसा कदरगाम सर्च कीजिए, हमारा परफेक्ट लोकेशन दिखा दीजिए। चलेगा, इस स्क्रीन पर हम आपको इनका प्रॉपर लोकेशन दे देंगे और हम मिलते हैं वीडियो के अगले सफर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा।